सियालकोट से खबर शामिल करते हैं, जहां पर तकद्दस मआब आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शाह ने कहा है कि गमजदा खानदानों को खुदा ताला ही तसली देता है। जब बड़े बड़े जख्म इंसान के दिल पर लग जाते हैं तो फिर खालिक हकीकी ही दुखों का मुदावा बनता है। मरियम आबाद ज़ियारत मकदसा मरियम पर जाते हुए जो नौजवान जाँबहक हुए हैं, हमारी दुआ है कि खुदा ताला उन्हें अपनी बरगजीदों में शामिल करे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने कैथलिक चर्च आढ़ा में 6 नौजवानों जिशान इकबाल, चांद जवेद, अमन जोसेफ, शारून गुलजार, साहिल शाहिद, आदिल असलम की मेमोरियल सर्विस की इबादत के दौरान गुफ्तगु करते हुए किया। तकद्दस मआब बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शाह ने कहा है कि हादसा तो हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा है, मगर आज हमारे ये नौजवान कितने खुशकिस्मत हैं कि जो मुकद्दसा मरियम की ज्यारत के लिए जा रहे थे और रास्ते में अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। हम तमाम गमजदा खानदानों के लिए तसली चाहते हैं और जख्मियों के लिए दुआगो है कि खुदा उनको जल्द अज जल्द सेहतयाब करे। इस मौका पर बिशप सेबेस्टियन शाह ने आए हुए तमाम काहिनों के साथ मिलकर हलाक होने वाले नौजवानों के लवाहकीन से मुलाकात की और उन्हें तसल्ली दी। पैरिश प्रेस्ट रेवरेंड फादर विलियम बिशारत तमाम मोमिनीन और इंतजामिया के मशकूर हैं जिन्होंने इस हादसे में हलाक होने वाले नौजवान और लवाहकीन से इजहार शफकत किया है।